ये मेरी बहन नहीं है, दूर के रिश्तेदार है। दरअसल ये मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन मैं मरा मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। वैसे भी अब उस बुढ़े का इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है, उसकी पक्की छुट्टी कर दो। नहीं, वो मेरे साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या क्या बात है अंबर? वो कहकशा और आशिक भट्टी साहब को मार देंगे। कहकशा, आशिक भट्टी? मैंने खुद कहकशा को कहते सुना पूछा कि इसकी पक्की पक्की छुट्टी करा दो। मेरे साहब की जान को खतरा है, साहब की जान को खतरा है। क्या नाम है तुम्हारे साहब? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद? अंबर, तो आखिर तुम दोनों ने अपने औकात दिखा ही दिए। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने। इन लोगों की फैलाई हुई नफरत की वजह से मैंने अपनी बीवी और बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। कितना जुल्म किया उन पे। काश मैं उस वक्त समझ जाता कि तुम सिर्फ मेरी दौलत के पीछे हो। अब समझ आ गई ना? पहले इस मोटी को मारो, इसने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। खारा, थोड़ा सा बरकर फंदा साहब, इन दोनों गिरफ्तार करके ले जाइए यहां से। ले जाए फंदा साहब इन दोनों को। मेरे अपने आ गए। जमीला बेगम, अंबर, यही तेरा बाप? मां? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जानता हूं जैसे जालिम मजलूम को जानता है। जमीला बेगम, अब तो न जाओ, अब तो मैंने अपने किए की बहुत सजा पा ली। अगर मैंने जिंदगी में कोई भी नेकी की हो तो उसके सदके मुझे माफ कर दो। सारा कमाल तो इस मोटी का हुआ ना, जिसने पूरी फैमिली को मिलवा दिया।